वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है यार। इस वीडियो का हमें बहुत ही ज्यादा यार रिक्वेस्ट भी आई, तो सीधा मैं आपको टाइटल सबसे पहले बताऊंगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रोबोटिक गैलरी एट गुजरात। सॉरी यार, मैं जबान फिसल जाती है भाई, चमड़े की जबान। तो हाँ, गुजरात साइंस सिटी इन अहमदाबाद, मतलब साइंस सिटी है ये अहमदाबाद में रोबोटिक गैलरी, जहाँ पे रोबोट्स वगैरह भी हैं और बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब सिस्टम ये। और हमें आज फर्स्ट टाइम हमारे सब्सक्राइबर ने इसका बताया, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। सबसे पहले देखते हैं, फिर पता लगेगा भाई ये कैसी है रोबोटिक गैलरी, जिसको साइंस सिटी भी बोला जा रहा है। हाँ। तो जल्दी देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रोबोटिक गैलरी, 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी, इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का जो मुलाकातियों को प्रगतिशील रोबोटिक अलग दुनिया अवसर प्रदान करता है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही अचंभित कर देती है। अपनी अनूठा तैयार किया गया मानवी और रोबो के बीच वार्तालाप करते सामाजिक अनुभव वाला ह्यूमनॉइड रोबोट मुलाकातियों का अभिवादन करेगा और उनको यहाँ की सुविधाओं से परिचित करवाएगा। गुजरात में आश्चर्य और घुमाएगा, व्यक्त करते हुए मुलाकातियों से बातचीत भी करेगा। गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का निदर्शन है, जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता। अनोखा वीआर जोन मुलाकातियों को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा। गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है। यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह पर आकर खाना पेश करेंगे। प्रकार के 200 से अधिक रोबोट और विभिन्न प्रकार के रोबोटिक वर्कशॉप किट वाली रोबोटिक गैलरी सच में रोबोटिक्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मुझे नहीं पता था ऐसी इंटरेस्टिंग चीज उधर है। अबे ये क्या है? डॉग की तरह लग रहा है मुझे। ये तो ये कुत्ता तो बड़ा हैवी किस्म का निकला। वाह, तगड़ी 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 तगड़ी। ये तो घोड़ा है भाई। घोड़ा उल्टी कर बाती तोड़ी। भाई ये जदीद एडवांस किस्म का घोड़ा है। वाह, इसकी मुझे हरकत काफी पसंद है। हरकत जबरदस्त। ऊपर कैमरा लगा हुआ है, है ना? मतलब इसको चला के कहीं भी ले जाओ। ये तो नमस्कार बोल रहा है। इसने नमस्ते बोला है। नमस्ते बोल रहा है। ये तो लोगों को डराने के भी काम आता है। यार क्या क्या पॉसिबल नहीं है। आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रोबोटों का मजा। वो ये डांस, आज फर्स्ट टाइम रोबोट का डांस देख रहे हैं। मतलब यार कैसा जमाना आ गया। खाना भी देखो, रोबोट लाएंगे मतलब बंदों इसके आते आते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बंदा भूख से मर जाएगा। बंदा भूख से मर जाएगा। ये ना रोबोट गुस्से में आया तो किसी के ऊपर उठा के फेंक दे। मतलब उसने बोला मैंने नहीं खा। ओ वाह, ये रोबोट मतलब पैक हुए में ये बड़े हैवी किस्म के, ये मस्त रोबोट है। अच्छा वो भी खेल रहे हैं साथ में, देखो ना। वाह, हर किस्म का रोबोट पे चल रहा है भाई। देख गुजरात। चलो फिर ताजा तरीन आपके लिए टिकटॉक पर जा गए। थोड़ा बहुत टिकटॉक का जो है ना शौक है। अजीब है यार भाई। वैसे इस तरह की चीज मैंने नहीं, मुझे पता था कि इंडिया में है सीरियसली। और 200 के करीब रोबोट्स हैं। हाँ। और भाई काफी अच्छे मतलब यार वर्किंग कर रहे हैं हर कोई। हाँ।
ये रोबोटिक डॉल्स कर रहे हैं, मतलब रोबोटिक डॉल्स इन्होंने इन्वेंट किया था। यानी फुल जो है ना मनोरंजन होता है, बैंड बाजे के लिए एक ये तो वो गाना है ना भाई, राम लीला चाय वाला, ये बजा रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ढोल के लिए एक अलग रोबोट पड़ा है, वो अलग रोबोट रखा है, रोबोट भी बोलते होंगे क्या काम करा रहे हो। इसी के साथ ये वीडियो रोबोटों को आप लोग शादी पे इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और यार सबसे पहले मुझे यार इस पे शादी यार मुझे जो आया उसका कोई हाथ यार मुझे सबसे ज्यादा इसमें जो मजा आया यार, क्योंकि वो जो घोड़ा नहीं था वो मतलब उल्टी कलाबाजियां भी लगा सकता है, वो आपको डरा भी सकता है। और यार मतलब तेजी से आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब कहां तक टेक्नोलॉजी चल गई है कि मतलब पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक से सिस्टम मुजरा जो है आज रोबोट वो रोबोट दिखा रहे हैं हमें, जो कि मैं कहता हूँ फिर भी यार कुछ भी हो ये तो चलो मजाक की बात है। मजाक साइड पे, इस चीज का मुझे सीरियसली नहीं पता था इंडिया में इस तरह मस्त किस्म की साइंस सिटी जिसको रोबोटिक गैलरी भी बोलते हैं और साइंस सिटी भी बोलते हैं हो गया। सीरियसली मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पता था कि रोबोटिक, तो हमें लिंक वगैरह आया तो हमने इसमें चेक किया है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए सिर्फ इधर रोबोट ही होते हैं या और कुछ भी होता है। रोबोट मतलब साइंस से जुड़ी चीजें सारी इधर आपको मिलेंगी, मतलब। और यार बहुत इंटरेस्टिंग था भाई ये, मुझे पर्सनली ना भाई इस तरह की सिटी देखने का मेरा भी दिल कसम से करता है, लेकिन ऐसी चीज इंडिया में मतलब गुजरात में पॉसिबल हुई है, जो कि मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल चीज है। और टूरिस्ट यार इधर टूरिस्ट को मैं कहता हूँ जाना चाहिए, ताकि और भी जगहों पर आपको इस तरह के मतलब मिल सके। यार देखो ना एक आप उसमें देखो डिफेंस के लिए रिवॉर्ड काम कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मतलब मुख्तलिफ रिवॉर्ड दिखाए गए हैं सारे उसमें, जो भी दिखाया गया है ना वो सारे उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, खुद अंदाजा लगा लो। और फिर दूसरी बात ये, कोई ढोल बजा रहा है, कोई पीपड़ी बजा रहा है, मतलब हर लिहाज से अपने अपने अलग अलग जो है उन्होंने बहुत ज्यादा। और वो जो मैंने उधर देखा है ना, जो वेटर सर्व कर रहा था, मतलब वो कर रहा था वो चिप्स ला रहा है क्या, लेकिन भाई वो वेटर की थोड़ी स्पीड मुझे स्लो लगी और बाकी मस्त है। लेकिन रोबोट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होंगे, और बाकी किसी ने सही बोला, एक दिन इंसानों को टेक ओवर कर लेंगे रोबोट इनकी जॉब। अभी आप अगर जापान में देखो ना, ज्यादातर मोस्टली कर चुके हैं जापान में, ये किसी ने सही बोला एक दिन टेक ओवर कर लेंगे। और ये वाली चीज मैं कहता हूँ एक जगह सही भी है और मतलब गलत भी है, मतलब थोड़ा। हाँ भाई यार गलत तो खैर जिस तरह देखो, मतलब लेकिन जिस तरह टाइम जो एडवांस होता है, मतलब आजकल देखो सारा पहले जो काम हाथ से करने वाला था अभी वो मशीन कर रही है। और इंडिया इस फील्ड में काफी ज्यादा आगे जा चुका है। मैंने सुना है कि इंडिया की जो स्कूल्स है ना, वहाँ पर भी रोबोट्स स्टडी करवा रहे हैं। हाँ। यार असल में पता है क्या पढ़ा रहे हैं, आजकल जो जदीद जो है ना, जो दौर है आजकल, जदीद दौर है आजकल, मशीनरी दौर है, हर चीज जो और आसानी पैदा हो गई है लोगों के लिए, इससे लोगों के लिए हुई है। और तो लेकिन लोगों को इससे थोड़ा मतलब मैं कहता हूँ कि लोग थोड़े जो होंगे ना इससे भाई थोड़े सुस्त हो जाएंगे ज्यादा, और ऑलरेडी सुस्त हो चुके हैं लेकिन और ज्यादा हो। यार ये तो अब लोगों पे डिपेंड करता है, वो अपना कि वो किस तरह करते हैं, ये तो सारा हम पे डिपेंड करता है ना, हम किस तरह करते हैं। ये लोगों पे डिपेंड करता है। हाँ जो अमीर लोग हैं बेशक सुस्त हो, उनको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात यार इस तरह की मतलब एक होनी चाहिए, सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और गुजरात में बनी है। तो यार सब्सक्राइबर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ये वीडियो सेंड की। सो गाइस आपका कभी आपने इधर गए हो या मतलब चक्कर लगाने का सोच रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपने किस किस को फर्स्ट टाइम पता लगा है वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि सिर्फ साइंस सिटी में यही रोबोट्स हैं या और कोई भी है चीजें, वो भी बहुत रोबोट्स हैं, मतलब रोबोट्स के अलावा भी कोई भाई साइंस सिटी, मतलब हर चीज साइंस की चीज इधर पड़ी है, मतलब रोबोट्स हो गए, मतलब जो हर चीज समझो। अच्छा वाओ, तो जाहिर बात है साइंस सिटी बोलो जा रहे तो साइंस की चीजें होंगी। अब क्लासेस तो नहीं दे रहे होंगे, हाँ कुछ और भी आप बता सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल। सो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।